क्वेश्चन नंबर थ्री, यहाँ पे इस तरह का एक बहुत सारा एंगल एक साथ छपा हुआ है और इसको जो है मापने के लिए कहा गया है, जैसे कि ए बी डी कितना एंगल का होगा, ए बी ई, यहाँ पे जो मतलब एंगल लिखा हुआ है इसको माप के यहाँ पे भरना है। तो चलिए हम लोग इसको मापते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोट्रैक्टर है और सबसे पहले ए बी डी मतलब ए बी डी इस एंगल को मापना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लगाइए, बिल्कुल लाइन टू लाइन लगाना है। और यहाँ पे ए बी डी जो है ये 30 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ 30 डिग्री कर देते हैं, 30 डिग्री, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया ए बी ई, तो ए बी ई, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं और ये ए बी ई कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री आ रहा है, ए बी ई 60। और उसके बाद जो है ए बी एफ, ए बी एफ, तो ये बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल ही 90 डिग्री का एंगल है। तो ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री। उसके बाद डी बी जी, डी कहाँ है, डी बी और जी, ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से रखना होगा, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे शायद ना दिखे तो थोड़ा सा, हाँ इस तरह से हो गया। तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री दे देते हैं हम लोग, 90 डिग्री। उसके बाद ई बी एच, ई बी एच, तो इसको इस तरह से घुमाना होगा, बिल्कुल लाइन पे लगाना होगा, या तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है, ई बी एच, तो यहाँ भी 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 डिग्री। सी बी ई, सी कहाँ गया, सी यहाँ पे, सी बी और ई ये आ रहा है, तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ई के लाइन पे जो है सीधा सीधे लगाना होगा, यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कितना डिग्री का आ रहा है, 120 डिग्री का आ रहा है, ई बी एच, तो यहाँ पे लिख देते हैं 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी बी जी, सी कहाँ गया, सी सी बी जी ये है, तो इसको अब कैसे लगाना पड़ेगा, इस तरह से लगाना पड़ेगा, ये सी बी, तो यहाँ 30 डिग्री का दिया हुआ है, उस हिसाब से दो घर हो गया, तो 30 60 हो गया, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, सी बी जी, सी बी जी ये हो गया 60, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। और लास्ट में दिया हुआ है एच बी डी, तो एच है कहाँ, एच है यहाँ, एच बी और डी, डी कहाँ, यहाँ है, तो यहाँ पे 30 30 60 और 60, 120 आ रहा है। वैसे फिर भी माप लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये बिल्कुल 120 डिग्री का आ रहा है, ये 120, तो यहाँ पे 120 लिख देते हैं, 120 डिग्री, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में लेते हैं हम लोग।